अपनी फाड़ू परफॉर्मेंस से जो खींच लेता था दुनिया भर की अटेंशन, अपनी फिलेंथ्रोपी से जो बटोरता था सारी दुनिया से अफेक्शन, जिसने किया मूनवॉक और रोबोट डांस का इन्वेंशन, म्यूजिक और ग्लैमर की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा किंग और सबसे बड़ा स्टेशन, नन अदर देन माइकल जैक्सन। दोस्तों, कैसा लगा यह माइकल जैक्सन का फर्स्ट इंप्रेशन? हाँ, वीडियो में बने रहना, क्योंकि किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा ऐसा परफेक्शन। दोस्तों, आज बात करूंगा माइकल जैक्सन की, किंग ऑफ पॉप की, अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड स्टेज परफॉर्मर। ओ माय गॉड, इनकी पर्सनैलिटी, इनका एनिग्मा, इनका ऑरा काफी करिश्मेटिक और काफी इन्फ्लुएंशियल। मतलब मैंने जब इनको एज ए सब्जेक्ट रखा स्टडी करने के लिए, तो आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जो अजय है, जो अमर है, जो इनविंसिबल है। फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन एक लौता एक ऐसा सितारा था जिसके परफॉर्मेंस के कारण लड़कियां वहां पर उनको लाइव देखकर बेहोश हो जाती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां रोना शुरू कर देती थी। वो था माइकल जैक्सन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम समझेंगे माइकल जैक्सन की लाइफ को। माइकल जैक्सन, जिनकी टोटल लाइफ टाइम अर्निंग है 4.2 बिलियन US डॉलर, 2013 से 2023 तक टॉप अर्निंग डेट सेलिब्रिटी बने रहे। इतना सारा वेल्थ, इतना नेम, इतना रिकॉग्निशन, इतना सारा प्यार आखिर कैसे मिला माइकल जैक्सन को? आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को यूएस के इंडियाना स्टेट के गैरी शहर में हुआ। उनके फादर जो जैक्सन एक क्रेन ऑपरेटर थे। माइकल जैक्सन कुल मिलाकर 9 भाई बहन थे, जिसमें 5 भाई थे और 4 बहन थी। पांचों भाइयों के साथ मिलकर माइकल जैक्सन ने जैक्सन 5 नाम का एक बैंड बनाया और 5 साल की उम्र में पहली परफॉर्मेंस दी माइकल जैक्सन ने। हिज बैंड वाज एन अमेरिकन बैंड कंपोज्ड ऑफ द जैक्सन फैमिली, जिसे जैक्सन 5 के नाम से जाना गया। फ्रेंड्स, सॉरी टू से, बट माइकल जैक्सन के फादर एक अब्यूसिव फादर थे, एक डिक्टेटरशिप मेंटेलिटी वाले फादर थे, जो हमेशा अपने बच्चों पर इंटेंस प्रेशर दिया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पांचों भाई मिलकर ढेर सारे पैसे कमाए। फ्रेंड्स, जैक्सन 5 बैंड ने अपना पब्लिक डेब्यू इन 1964 किया विथ इट्स 4 ब्रदर्स, और पांचों भाई मिलकर अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन एक भाई जिसमें खुद माइकल जैक्सन सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर थे। माइकल जैक्सन बिकेम ए सोलो स्टार विथ हिज 1979 एल्बम ऑफ द वॉल। ऑफ द वॉल जो उनकी एल्बम बनी, उसके बाद उनकी एल्बम थ्रिलर, डेंजरस, इनविंसिबल, बहुत सारी एल्बम्स आई और एक के बाद एक सुपर हिट, डुपर हिट। माइकल जैक्सन वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पॉप स्टार हु ब्रोक द रेशियल बैरियर। 80 के दशक में माइकल जैक्सन बिकेम ए फिगर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी एंड स्पेकुलेशन ड्यू टू हिज चेंजिंग अपीयरेंस, रिलेशनशिप्स, कंडक्ट, लाइफस्टाइल। 1993 में एक फैमिली फ्रेंड के बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन लगा। 14 मोलेस्टेशन चार्जेस लगे, जिसके कारण माइकल जैक्सन डिप्रेस्ड हो गए। जितने भी इन पर मोलेस्टेशन के केसेस हुए, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हुए, उन सभी केसेस को कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया और माइकल जैक्सन को बाइज्जत बरी किया। फ्रेंड्स, लाइक आई सेड टू यू बिफोर कि 10 साल तक माइकल जैक्सन किसी भी प्रकार का कोई एल्बम नहीं किए, क्योंकि ही वॉज बैडली डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका ऐसा मानना था कि उनका बचपन काफी खौफनाक रहा बिकॉज ऑफ हिज फादर्स कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऐसा उनका मानना था। तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब ये एलिगेशन लगा तो भीतर से टूट गए और 10 साल तक किसी भी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस वो कर ही नहीं रहे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अब तो हालत ऐसी होगी कि वो कंगाली की स्थिति पे आ गए थे। फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन की फैंटेसीज, विशेज, डिजायर, लाइफस्टाइल बड़े ही अतरंगी थे। खुद को 150 साल से ज्यादा जिंदा रखने वाले और आजीवन सुंदर दिखने की चाह में वो इस कदर पागल हो चुके थे कि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोया करते थे टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल्स, प्रमोटिंग हीलिंग एंड विटैलिटी। एक दर्जन डॉक्टर्स डेली सर से लेकर पांव तक उनकी जांच किया करते थे। कैन यू इमेजिन कि 10 लोग की टीम एनी टाइम उनके पास तैयार रहती थी उनको ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए। जैक्सन साहब खाना खाते थे तो लेबोरेटरी में चेक होता था उनका खाना खिलाने के पहले। माइकल जैक्सन ग्लव्स और मास्क भी लगाए करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। विटिलिगो स्किन डिजीज की वजह से उनके फेस में डिफरेंसेस बराबर रहते थे। नीम की गोली ऑक्सीकॉन्टिन, डेमेरॉल, जो कि एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन है, उसको कंज्यूम किया करते थे। 100+ सर्जरीज उन्होंने कराई, तो उनका लाइफस्टाइल बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कमाल की बात यह है कि 25 जून जो उनकी डेथ एनिवर्सरी है, दैट डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड विटिलिगो डे। फ्रेंड्स, 30 साल की उम्र में माइकल जैक्सन को
घर बनाने की क्रेविंग हुई और उन्होंने ऐसा घर बनाया, उन्होंने 2800 एकड़ का घर बनाया, 13000 स्क्वायर फीट का घर, जिसमें 4 एकड़ का लेक था, वाटरफॉल था, स्विमिंग पूल था, जू था, 5500 स्क्वायर फीट का मूवी थिएटर था, अम्यूजमेंट पार्क था, बंपर कार था, आर्टिस्टिक गार्डन था, स्टैचूज था, नैरो गेज रेल रोड था, सब कुछ मौजूद था उनके घर नेवरलैंड रैंच में। हालांकि बाद में जब उनकी डेथ हुई तो उस घर को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट रोनाल्ड बर्कली ने $22 million में परचेज किया। दोस्तों बात करो अगर इनके स्टेज परफॉर्मेंस की, तो इनका स्टेज परफॉर्मेंस काफी हॉरिफाइंग, काफी डेडली, काफी डेंजरस और काफी लिथल रहता था। इनका जो स्टेज परफॉर्मेंस था इसमें ये ओवर कमिटेड थे, इसमें ये ओवर डिलीवर करते थे अपने परफॉर्मेंस में। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ने ही माइकल जैक्सन को मजबूर किया अपने लिमिट्स को पुश करने में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के कारण ही माइकल जैक्सन इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। दोस्तों अगर इनके स्टेज परफॉर्मेंस को आप देखोगे, यू विल कम टू नो कि इनके स्टेज परफॉर्मेंस भरे होते थे एडवेंचर से, भरे होते थे एक्साइटमेंट से। इनके स्टेज परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक होते थे। 1984 के पेप्सिको एक एड के दौरान इनके बालों में आग लग गई, तो वहां पर इनका सर थोड़ा डैमेज हो गया। देन आफ्टर 1999 में म्यूनिक में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि वो स्टेज नीचे आकर धड़ाम से गिरा और हादसा हो गया। फिर भी माइकल जैक्सन अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करता रहा और बाद में होटल में जाकर बेहोश हो गया। फ्रेंड्स किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ बहुत चैलेंजेस से भरी होती है। आप अपने आर्टिस्ट को प्यार करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रियलिस्टिक रखो तो शायद वो आर्टिस्ट की लाइफ बहुत लंबी होगी। मैं ऐसे कई सारे आर्टिस्ट को जानता हूं जो पेन किलर्स लेकर, इंजेक्शंस लेकर, कुछ मेडिकेशंस करके स्टेज पर जाते हैं, नहीं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको स्टेज परफॉर्मेंस देनी होती है, वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। इट्स नॉट राइट। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी ऑडियंस को मिलकर अपने आर्टिस्ट को प्यार तो करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जिसे वो पूरा न कर सके। और यही हाल हुआ माइकल जैक्सन जी का। और आप देखते जाइए आगे कि आगे जब आप और जानोगे, उस डिप्रेशन के स्टेज से गुजर रहे थे, तो पिछले 10 साल में उन्होंने कोई स्टेज परफॉर्मेंस तो किया नहीं था, अब उन्हें फुल स्केल लाइव शो करना था। 2009 में उन्होंने AEG के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लंदन में लाइव शो होने वाला था। और मैंने आपको बताया कि 10 साल तक, पिछले 10 साल तक उन्होंने फुल स्केल लाइव शो किया ही नहीं था, तो उसकी उन्हें तैयारी करनी थी। 3 महीने बचे थे। फ्रेंड्स 3 महीने में अपने परफॉर्मेंस की कोरियोग्राफी करनी थी, सिंगिंग करनी थी, मैनेजमेंट देखना था, प्रोडक्शन क्रू के साथ काम करना था, तो उन पर बहुत वर्क प्रेशर था। और उस शो का नाम था दिस इज इट, वो उनका लास्ट शो होने वाला था। और आप यकीन नहीं करेंगे, घंटों में सारे टिकट सोल्ड आउट हो गई। लेकिन इसके लिए क्या करना था उन्हें, कम से कम एक अच्छी नींद चाहिए ना। किसी भी आर्टिस्ट से अगर आप चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दे, तो क्या करना होगा आपको, उस आर्टिस्ट को हेल्प करना होगा कि वो नींद अच्छी से ले। उन्हें आप उत्साह बढ़ाइए उनका, उनको बोलिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको मेल कीजिए कि सर आप नींद अच्छी लें, क्योंकि अगर आप नींद अच्छी लेंगे तो ही स्टेज पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन उस रात कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। माइकल जैक्सन की डेथ की रात एक्चुअली माइकल जैक्सन को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर कॉर्नार्ड मुरे को रिक्वेस्ट किया कि वो उनको प्रोपोफोल दें। राइट, अब प्रोपोफोल जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि प्रोपोफोल सम काइंड ऑफ लिक्विड होता है, सम काइंड ऑफ मेडिसिन होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे देकर आप नींद में जा सकते हैं। ये तभी आप ले सकते हैं जब कोई डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। बट उस प्रोपोफोल को लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी माइकल जैक्सन को, लेकिन उनके फिजिशियन ने यही गलती कर दी, डॉक्टर कॉर्नार्ड मुरे ने ओवरडोज ऑफ प्रोपोफोल दे दिया, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन नींद में ही चला गया। उसके बाद वो कभी उठा ही नहीं, कभी नहीं उठा। हालांकि बाद में डॉक्टर कॉर्नार्ड मुरे को कोर्ट ने, US कोर्ट ने सजा भी सुनाई। नतीजा यह हुआ कि आज माइकल जैक्सन जैसा सितारा हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि माइकल जैक्सन के मरने के बाद हिज मेमोरियल सर्विस वॉज एस्टिमेटेड टू हैव बीन व्यूड बाय मोर देन 2.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। कैन यू इमेजिन, उनके डेथ के बाद विकिपीडिया क्रैश कर गया, गूगल क्रैश कर गया, ट्विटर क्रैश कर गया, क्योंकि सारे लोग माइकल जैक्सन के डेथ को सर्च करना शुरू कर दिए। और माइकल जैक्सन एक ऐसा सितारा रहा जो लोगों के दिल में जगह बना पाया, और इसी वजह से सारा का सारा ऑनलाइन न्यूज पोर्टल लगभग क्रैश हो चुका था। फ्रेंड्स अगर इनके अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करें तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। फिर भी अगर एक ग्लिम्स अगर लें इनके अवार्ड्स का, इन्हें 15 ग्रैमी अवार्ड्स, 6 ब्रिट अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 30
39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम, रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम, वोकल ग्रुप हॉल ऑफ फेम, सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम, डांस हॉल ऑफ फेम, ये सारे अवार्ड और न जाने कितने अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। जैक्सन्स जैकेट ऑन डिस्प्ले एट द हॉलीवुड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड म्यूजियम। जैक्सन वॉज इन्वाइटेड एंड ऑनर्ड बाय द US प्रेसिडेंट एट व्हाइट हाउस फॉर 3 times। दोस्तों, माइकल जैक्सन को ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए भी बहुत जाना जाता है। माइकल जैक्सन इज रिगार्डेड एज अ प्रोलिफिक फिलेंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन बाय द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी मैगजीन। लॉस एंजेलिस टाइम्स ने इन्हें स्टैंडर्ड ऑफ जेनरोसिटी का टाइटल दिया है। ये बहुत बार चैरिटी कॉन्सर्ट किया करते थे, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल बिलोंगिंग्स को चैरिटी ऑक्शन में डोनेट किया करते थे। कई बार यह सिक चिल्ड्रन को भी विजिट किए हैं हॉस्पिटल्स में अराउंड द वर्ल्ड। इनके फिलेंथ्रोपिक सर्विस के लिए 2 US प्रेसिडेंट ने इन्हें सम्मानित किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम अभी भी दर्ज है। दोस्तों, तो ये थे आपके और मेरे, हम सब के चहेते माइकल जैक्सन। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आज के जमाने में माइकल जैक्सन साहब होते और सोशल मीडिया पे खुद पर्सनली एक्टिव होते, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर उनके कितने फॉलोअर्स होते, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अधिक पूरी दुनिया में किसी भी परफॉर्मर के अगर फॉलोअर्स होते तो वो इनके ही होते। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी आज की केस स्टडी ऑन माइकल जैक्सन। देखिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके ऐसी केस स्टडी मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। मुझे पता है मेरा जो व्यूअरशिप है बहुत छोटा है, लेकिन धीरे ही धीरे चीजें बड़ी होती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिलता रहेगा और लगातार आपका प्यार मिलते मिलते एक दिन जरूर ऐसा आएगा ये चैनल बहुत बड़ा बनेगा और मैं अपने कंटेंट से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बदलने का एक छोटा सा प्रयास तो करता था, करता हूं और करता ही रहूंगा। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अगला वीडियो कौन सा चाहिए।